पर्टिकुलर ईयर में फॉर्म कब रिलीज हुआ और उसका जो है एग्जाम कब हुआ. दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट विच डॉक्टर पंखुरी इज गोइंग टू डिस्कस विद यू पीपल. आई वॉन्ट यू टू शेयर द लिंक ऑफ द सेशन विद ऑल योर फ्रेंड्स राइट नाउ. अच्छी शिक्षा पे, सही शिक्षा पे सबका अधिकार होना चाहिए. हर बच्चे तक ही जेन्युइन जो है इंफॉर्मेशन वो पहुंचना जरूरी है. एक बार लाइक्स का राउंड भी हो जाना चाहिए. अब हम शुरू करने जा रहे हैं मेन इन डेप्थ एनालिसिस जो हमारी टीम ने आपके लिए तैयार किया है. बिल्कुल, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. इसको अपने पेरेंट्स के साथ, टीचर्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि इससे आपको आपके इस सवाल का जवाब आपको मिल जाएगा कि क्या नीट 2023 पोस्टपोन होगा. अभी तक एनटीए ने एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज नहीं किया है तो क्या उसका कोई मतलब है. आपकी जितनी भी चिंता है, एजम्पशंस है, स्केप्टिकल स्टेटमेंट्स है, या आपको कोई और बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स ऐसी न्यूज रिलीज कर रहे हैं कि हाँ हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, एनी काइंड ऑफ मिसगाइडेंस से आप बच सकते हैं आफ्टर एनालिसिस ऑफ दिस डेटा जो ओनली एंड ओनली इन दिस कंट्री आपके लिए आकाश बायजूस नीट की टीम लेकर आई है. तो बेटा इसको शेयर कर दो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो. जब भी टेंशन हो, सवाल आए मन में, तो स्क्रीनशॉट को देख लेना विद द टीचर्स सिटिंग विद यू. तो जैसा कि डॉक्टर सचिन कपूर हम देख सकते हैं 2019 से अगर हम ट्रेंड देखें तो 2019 में एप्लीकेशन फॉर्म नवंबर में ही रिलीज हो गया था और एग्जाम था 5 मई को. हाईलाइट भी करते जाइए, सॉरी मैं आपको डिस्टर्ब कर रहा हूं. मैम हाईलाइट जरूर कर दीजिए बच्चों के लिए. 2019 का डेटा डॉक्टर पंखुरी आपके साथ डिस्कस कर रही है एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी क्रूशियल. आप देखेंगे एक ट्रेंड जो मैम अभी एक्सप्लेन करने जा रही है. तो बिल्कुल हमें इसमें दिखता है कि भाई अगर इस साल 7 मई को एग्जाम है तो नवंबर में एप्लीकेशन फॉर्म निकल जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है. तो क्या ये डरने की बात है? हाँ ये सही बात है. 2019 में हमारे पास 184 डेज थे बिफोर द एग्जाम, द पीरियड बिटवीन द एप्लीकेशन फॉर्म रजिस्ट्रेशन प्रोसेस एंड द एग्जाम वर 184 डेज, अ गैप ऑफ 184 डेज. अब हम 2020 की बात करते हैं. सचिन सर, 2020 में कोरोना की लहर आ गई थी. दिस वॉज द ईयर वेर वी सॉ कोरोना और इसमें हमारा जो एग्जाम है वो पोस्टपोन हुआ था सर. तो इट हैड टू बी हेल्ड इन मे, बट इट वॉज हेल्ड इन सेप्टेम्बर. द एप्लीकेशन फॉर्म वॉज रिलीज ऑन 2nd of December एंड द एग्जाम वॉज स्केड्यूल्ड इन मे, बट देन कोरोना बहुत ज्यादा बढ़ गया था इन अप्रैल में, तो एग्जाम पोस्टपोन होते होते सितंबर में हो गया था. इसलिए नंबर ऑफ डेज आपको 285 दिखते हैं. ये 285 ना होते अगर कोरोना नहीं होता और एग्जाम पोस्टपोन नहीं होता इन 2021. और मैम जी सर, राइट. और जो आपने जैसे कोरोना की बात कही डॉक्टर पंखुरी, बिल्कुल आपने सही कहा. और उसी ईयर से हमने ये ऑब्जर्व करा कि ये चीज खिसकते खिसकते आगे खिसकती गई, बिकॉज पूरा एकेडमिक कैलेंडर डिस्टर्ब हो जाता है इस चीज से, है ना. आप काउंसलिंग की प्रक्रिया उस हिसाब से लेट हुई, कॉलेज अलॉटमेंट लेट हुए, और मैम बहुत से तो मेडिकल स्टूडेंट्स की फर्स्ट ईयर की क्लासेस, जैसा कि आपके बहुत से स्टूडेंट्स आपको बता रहे थे कि उनकी फर्स्ट ईयर की क्लासेस भी ऑनलाइन कंडक्ट करी गई एमबीबीएस की, तो उस कोरोना की लहर ने इस पूरे सीन को प्रभावित करा है. और अब जो है एनटीए सोच रहा है कि इस चीज को अब स्ट्रीमलाइन कर दिया जाए. आपको याद होगा डॉक्टर पंखुरी, बहुत पहले ये एग्जाम जो है मई महीने में किया जाता था, है ना, और जून में लगभग आई थिंक एम्स का एग्जाम होता था. पहले एम्स अलग होता था. राइट राइट, एब्सोल्युटली एवरीथिंग वाज इन ऑर्डर. और हमें ये देखना चाहिए कि देश को, एनटीए को, जो भी अथॉरिटी है उसको वक्त नहीं मिला है ज्यादा. 2022 वाज द फर्स्ट नॉर्मल ईयर, नॉर्मलसी का फर्स्ट ईयर था. तो अभी भी हम कोशिश कर रहे हैं कि हम चीजों को स्ट्रीमलाइन करें, ज्यादा से ज्यादा सीट्स अवेलेबल हो. भाई अभी देरी भी हो भी गई, लेकिन मान लो हमें 10,000-20,000 सीट्स इस साल ज्यादा मिल जाती हैं, तो भाई हो जाए देरी एप्लीकेशन फॉर्म में. और एक सर मुझे ऐसा भी लगता है कि एनटीए इज गिविंग अ लॉट ऑफ टाइम फॉर स्टूडेंट्स टू प्रिपेयर फॉर देयर बोर्ड एग्जाम्स. बीच में अगर हम एप्लीकेशन फॉर्म का प्रोसेस ले आएंगे तो बच्चे डिस्टर्ब भी हो जाते हैं, एक एंग्जाइटी क्रिएट हो जाती है. तो एनटीए इज ऑन आवर साइड, हमारे अगेंस्ट नहीं है एनटीए. सर अगर हम 2021 में देखें तो काफी थोड़ा सा सरप्राइजिंग कुछ हुआ है 2021 में, बिकॉज दिस वाज अ वेरी डिस्टर्बिंग ईयर. कोरोना की सेकेंड वेव आई, फिर लगा कि सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा, लॉकडाउन खुल गया, हमें लगा ठीक है अब नीट का एग्जाम नॉर्मल डेट में होगा, लेकिन सडनली देन वी सॉ अ थर्ड वेव और हमें एग्जाम को फिर से सेप्टेम्बर में ही करना पड़ा. तो आप देखिए जुलाई में एप्लीकेशन फॉर्म निकला था विद अ गैप ऑफ ओनली 61 डेज. So there was the gap can be, जी जी सर,
राइट right. मैं वही चीज मैं आप ही के पॉइंट पे आ रहा था, क्षमा चाहूंगा आपको बीच में इंटरप्ट करा मैम. आपने अभी भी बताया कि ज्यादा से ज्यादा 285 दिन तक भी ये बात गई और कम से कम 60 दिन तक भी गई है. 60 दिन मतलब 2 महीने. बिल्कुल राइट. तो अब ये जो डेटा मैम बता रही है दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. इसी से आपको अंदाजा लग जाएगा कि नीट पोस्टपोन होगा या नहीं होगा. मैम प्लीज कंटिन्यू. सर अगर आपने अभी बताया कि 2 महीने का गैप तो हुआ है मिनिमम, तो अगर हमारा 7 मई को एग्जाम है तो 7 मार्च तक भी एप्लीकेशन फॉर्म आ सकता है. मुझे तो जैसे आप कह ही रहे थे अभी कि आपको भी ऐसा लग रहा है कि पहले ही आ जाएगा एप्लीकेशन फॉर्म, लास्ट वीक ऑफ फेब्रुअरी में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं. इसके अलावा 2022 की बात करें विच वॉज अ नॉर्मल ईयर, तो 2022 में जब एनटीए ने सोचा कि अब चीजों को स्ट्रीमलाइन करना है. सर इसमें मैं एक और बात कहूंगी कि जब ये पुश हो जाता है मई के बाद तो जो मेडिकल कॉलेज का सेशन है वो भी बहुत इफेक्ट हो जाता है. तो एनटीए के पास अभी एक बहुत बड़ी टेंशन है कि मेडिकल कॉलेजेस को भी अपना सेशन स्ट्रीमलाइन करना है, तो एग्जाम पोस्टपोन होने का कोई आइडिया नहीं बनता है क्योंकि मई में एग्जाम होगा तो नया सेशन मुझे याद है सितंबर में अगस्त में द न्यू सेशन हैज टू स्टार्ट. उस तरह से टीचर्स अलॉट होते हैं, उस तरह से सारी डिस्ट्रीब्यूशन होती है, बैचेस बनते हैं. तो अगर हम देखें 2022 में तो 6 अप्रैल 2022 को नीट एप्लीकेशन फॉर्म निकला था सर, दैट इज क्वाइट लेट. और एग्जाम था जुलाई में एंड देयर वाज अ गैप ऑफ 102 डेज. तो अगर हम इस डेटा को देखते हैं तो अब हम एप्लीकेशन फॉर्म आराम से कभी भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं और हमें कोई ऐसी अजम्पशन नहीं लेकर बैठना चाहिए कि एग्जाम पोस्टपोन हो जाएगा. जी सर बिल्कुल बिल्कुल. और मैम अगर मेरे से पर्सनली कोई पूछा जाए, अगर 23-24 साल का पढ़ाने का अनुभव है कि क्या पोस्टपोन होने चाहिए एग्जाम, तो मैं अपनी पर्सनल राय यही दूंगा, आई होप आप भी एग्री करेंगे कि ऐसा नहीं होना चाहिए. बिकॉज ये उन बच्चों के लिए बड़ा एक मानसिक आघात हो जाता है जिन्होंने बड़े अच्छे तरीके से तैयारी कर रखी है. जनरली वो बच्चे पोस्टपोन होने के लिए फरियाद करते हैं या उम्मीद करते हैं जिनकी तैयारी में कहीं ना कहीं किसी किस्म की कोई कमजोरी रह जाती है. सो बेटा हमें ऐसा क्यों सोचना, हमें कमजोरी नहीं छोड़नी है कहीं भी. जब आकाश भाई जो नीट की पूरी दिग्गज टीम आप लोगों के साथ है तो फिर कहीं भी कोई भी कमी हमें नहीं छोड़नी है. अगर ये एग्जाम 7 मई को है तो आप एक्सपेक्ट कर लीजिए कि इससे 2 महीने पहले भी फॉर्म आ जाएगा. इतना टाइम सफिशिएंट होता है फॉर्म भरने के लिए. बोर्ड एग्जाम वाले स्टूडेंट्स अभी अपने बोर्ड एग्जाम्स में बिजी हैं, है ना. उसके अलावा एनटीए भी कई इंपॉर्टेंट डिसीजंस आप लोगों के लिए लेने जा रहा है. सो नीट का एग्जाम पोस्टपोन होने की संभावना कतई नहीं है और मैं चाहूंगा कि आप ऐसी फरियाद, ऐसी उम्मीद, ऐसी दुआ भी बिल्कुल मत कीजिएगा बेटा. सर मुझे ना एक चीज याद आ रही है कि अब तो एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन भरना होता है. इट इज अ प्रोसेस ऑफ 30 मिनट्स, 40 मिनट्स. डॉक्यूमेंट्स आप तैयार करके रखिए. अब तो हम डॉक्यूमेंट्स टीचर्स बता देते हैं कि कौन से डॉक्यूमेंट्स भरने हैं, लेकिन हमारे जमाने में आप भी अग्री करेंगे जब आपने भी फॉर्म्स भरे होंगे या मेरे भाई ने एग्जाम दिया था तो फॉर्म भर के उसको पोस्ट करना पड़ता था, कहीं पे जाके फॉर्म खरीदने जाना पड़ता था. तो तब हम फिर भी टेंशन ले सकते हैं कि मुझे पूरे प्रोसेस के लिए 3-4 दिन चाहिए और मैं कैसे करूंगा या कैसे करूंगी. थिंग्स आर वेरी इजी एंड स्ट्रीमलाइंड इन दिस डे एंड एज.